जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। उपस्थित हूं साल 2022 के राशिफल के साथ। मीन्स ये है राशिफल 2022 इन हिंदी। इसमें हम जानने जा रहे हैं कि मेष राशि के लिए 2022 कैसा रहेगा। उस पर भी विशेषकर मेष राशि का राशि के अनुसार नौकरी 2022 की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ध्यान रहे कि यह वार्षिक राशि भविष्य 2022 है। इसमें हम वार्षिक राशिफल यानी कि ईयरली होरोस्कोप बताएंगे। अंग्रेजी में बोलें तो इज 2022 गुड फॉर एरीज जॉब, अथवा इज 2022 गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर एरीज जॉब। और ये जानने के लिए इसकी पड़ताल करनी पड़ेगी, और इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं क्या परिणाम मिलेगा। यह जानने से पहले हम ये बता दें कि यह राशिफल लग्न पर आधारित राशिफल है, और इसे आप लग्न के माध्यम से देखेंगे तो ज़्यादा सटीक परिणाम मिलेंगे। बाकी अगर लग्न का पता ना हो तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, आप चाहें तो astrosage.com पर जाकर के अपनी लग्न देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से ना पता कर पाएं आप, तो आप अपनी राशि के अनुसार या फिर नाम राशि के अनुसार भी टोह ले सकते हैं। मेष राशि 2022 जॉब होरोस्कोप या मेष राशि जॉब 2022 होरोस्कोप को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि मेष राशि वाले लोगों के लिए इस वर्ष प्रमुख ग्रहों के गोचर कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ही मेष राशि 2022 जॉब यानी कि आपके नौकरी संबंधी परिणामों का भविष्य फल या भविष्य कथन किया जाएगा। साल 2022 मेष राशि वाले लोगों की नौकरी के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि एरीज जॉब होरोस्कोप 2022 या एरीज करियर होरोस्कोप 2022 के लिए हम मेष राशि वाले लोगों के दशम भाव के स्वामी शनि तथा छठे भाव के स्वामी बुध और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र के गोचरों पर विशेष ध्यान देंगे। बाकी अन्य जो गोचर हैं, राहु का गोचर, केतु का गोचर, गुरु का गोचर, सूर्य का गोचर, ये सारे गोचर तो विचारणीय रहेंगे ही। सबसे पहले हम शनि के गोचर को देखते हैं। साल की शुरुआत से लेकर के 29 अप्रैल 2022 तक शनि ग्रह आपके कर्म स्थान पर 10th हाउस में विद्यमान रहेंगे। ये आपके नौकरी के मामले के लिए एक अच्छा गोचर है। साथ ही साथ आपके छठे भाव का स्वामी बुध भी 6 मार्च 2022 तक आपके दशम भाव में 10th हाउस में ही रहेगा। किसके साथ? दशमेश शनि के साथ रहेगा। अतः यह अवधि नौकरी करने वाले लोगों के लिए विशेष उपलब्धिदायक हो सकती है। इस काम में गुरु के गोचर का भी सहयोग दिख रहा है, यानी कि बृहस्पति का गोचर आपके लाभ भाव में रहने वाला है। यहाँ से भी अनुकूलता मिलती रहेगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में भी 12 अप्रैल तक के समय को ज़्यादा अच्छा कहूँगा मैं, क्योंकि तब तक राहु केतु का गोचर आपके लग्न और सप्तम भाव पर प्रभावी नहीं रहेगा। यानी आपके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रहेगी और आपकी इमेज पर कोई भी उंगली उठाने वाला भी नहीं रहेगा। अतः उस अवधि में यदि आपके प्रमोशन का निर्धारण होता है तो आने वाला समय आपको प्रमोशन दिलवाएगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 तक शनि का गोचर आपके लाभ भाव में हो जाएगा, इनकम हाउस में। सामान्य तौर पर यह भी एक अच्छी स्थिति है। 12 अप्रैल 2022 तक राहु का प्रभाव दूसरे भाव में रहने के कारण साल की शुरुआत से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक आपकी बातचीत का तरीका काफ़ी साफ सुथरा व सभ्य रहे, इस बात का ख्याल जरूर रखें। गुरु के गोचर की बात की जाए तो बृहस्पति का गोचर 13 अप्रैल 2022 तक लाभ भाव में है, यह भी लाभदायक ही है। तथा 13 अप्रैल 2022 के बाद बाकी के दिनों में वह 12वें भाव में जाएगा और वहां रह करके आपके छठे भाव यानी कि नौकरी वाले भाव या स्थान को देखेगा और नौकरी को व्यवस्थित करने का काम करेगा। यानी कई बार नौकरी पेशा लोगों के जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर जो विचित्र सी अव्यवस्थाएं आ जाती हैं, ऐसा लगता है सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है, गुरु का गोचर उन अव्यवस्थाओं को दूर करेगा और व्यवस्थित करेगा। बात करें आपके छठे भाव के स्वामी बुध के गोचर की, तो बुध का गोचर सामान्य तौर पर इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल में 2 टाइम ड्यूरेशंस ऐसे होंगे जब बुध का गोचर अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है। पहला ड्यूरेशन है 24 मार्च 2022 से लेकर 8 अप्रैल 2022 के बीच का। इस समय आपके छठे भाव का स्वामी बुध नीच का रहेगा, लेकिन यहाँ से बहुत अधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि नीच का होकर के भी
बुध अपने भाव यानी छठे भाव को देखेगा और चीजों को व्यवस्थित करेगा। फिर भी कहीं ना कहीं इस टाइम ड्यूरेशन में गलतियां होने का डर रहेगा। स्वाभाविक है कि जब आपके काम में गलतियां होंगी तो आपके सीनियर्स या फिर आपके बॉस आपको समझाने के लिए बुला सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आपकी क्लास लेने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी कमियां आपको गिनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश यही हो कि आपके काम में कोई कमी ना आने पाए। लेकिन अगर हो ही जाए तो दो बातें सुनने के लिए आप खुद को तैयार रखें। बहुत ज़्यादा उनसे आर्गुमेंट नहीं करना है, और अगर छोटा मोटा अपमान भी हो जाता है तो उसे दिल पर नहीं लेना है, बल्कि हंसी मजाक में लाइटली लेना है, और उनकी सलाह को जरूर गंभीरता से लेना है जो समझा रहे हैं। वहीं 13 नवंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 के बीच जब बुध ग्रह आठवें भाव में रहेंगे, उस समय आपके द्वारा किए गए कार्यों को शायद उतनी प्रशंसा न मिल सके जितनी प्रशंसा के आप हकदार हैं या उस समय हकदार रहेंगे। लेकिन यह सोच करके कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कभी अप एंड डाउन होते रहते हैं कभी कभी, तो आपको संतुष्ट रहना चाहिए यह सोच करके। यानी कि बुध का गोचर भी सामान्य तौर पर साल 2022 में आपकी नौकरी को अच्छा दिखा रहा है। आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र के गोचर की बात की जाए तो शुक्र का गोचर भी सामान्य तौर पर आपको अनुकूलता देता रहेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। सिर्फ दो टाइम ड्यूरेशन शुक्र के साथ भी है जिनमें शुक्र का गोचर तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है, जिसमें पहले ड्यूरेशन में आपको ज्यादा सजग रहना है, ज्यादा जागरूक रहना है। वह ड्यूरेशन है 24 सितंबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 के बीच का। इस बीच में शुक्र आपके छठे भाव में रहेंगे, नीच के रहेंगे, अतः अपनी नौकरी पर अधिक फोकस करना है, खासकर जब आप किसी महिला सहकर्मी के साथ मित्रवत जुड़े हुए हों तो उन संबंधों में ऐसी पारदर्शिता आप रखें कि लोग उन संबंधों को लेकर आपको डिफेम ना कर सके, या आपके सीनियर्स या आपके बॉस उन संबंधों के चलते आपके कामों में कमी ना निकाल सकें, कोई बहाना ना मिले कि तुम आजकल ऐसे घूम रहे हो इसलिए काम ठीक से नहीं कर रहे हो। क्योंकि कई बार व्यक्तिगत संबंधों के चलते काम धंधे में या नौकरी में असर पड़ता है, और वही ड्यूरेशन होगा जब आपके काम में वैसा असर दिख सकता है, तो ऐसी स्थिति होने पर अधिक सजग रहने की जरूरत रहेगी। 11 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 के बीच शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, यानी कि आपके आठवें भाव में होगा। इस अवधि में आपके धन भाव का स्वामी आठवें भाव में रहेगा। ध्यान रहे, मैं अभी भी नौकरी वाले टॉपिक पर ही हूँ, धन की बात नहीं कर रहा हूँ, धन की बात हम विस्तार से अलग कर रहे हैं। लेकिन दूसरा भाव और छठा भाव ये दोनों नौकरी से भी कनेक्ट माने गए हैं। दूसरे भाव से नौकरी से आने वाले धन का विचार किया जाता है, एकमुश्त धन मिलता है जो एक तरीके से जमा करने में का एक हिस्सा उसमें होता है, और क्योंकि वह भाव इस अवधि में थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, इसलिए हम आपको उस ड्यूरेशन में भी अपने काम को लेकर, अपनी ड्यूटीज़ को लेकर गंभीर रहने की सलाह देना चाहेंगे। कहने का मतलब यह कि साल 2022 मेष राशि वाले लोगों की नौकरी के लिए यानी कि जॉब के लिए सामान्य तौर पर अच्छा है, कोई बड़ी विसंगत इस वर्ष नजर नहीं आ रही है। इस साल प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं। कुछ समय अवधियां यानी टाइम ड्यूरेशन जो कि कमजोर थी उनका उल्लेख मैंने अलग अलग कर दिया है, आप अगर नहीं समझ पाए तो फिर से आप वीडियो में पीछे जाकर उसे देख सकते हैं, विस्तार से हमने चर्चा की है। अतः हम अच्छे परिणाम की उम्मीद रखते हुए आपको 12 अप्रैल 2022 के बाद अपने निर्णय और अपनी छवि के प्रति सजग रहने की सलाह भी देना चाहेंगे, क्योंकि राहु केतु कई बार रेपुटेशन को खराब करने का काम करते हैं। लेकिन यदि आप सजग रहते हैं, चैतन्य रहते हैं और वरिष्ठों का सम्मान करते हैं तो राहु केतु का जो दुष्प्रभाव है वह देखने को नहीं मिलता। सारांश यह है कि गंभीरतापूर्वक कार्य करने की स्थिति में साल 2022 मेष राशि वाले लोगों की जॉब के लिए, मेष राशि वाले लोगों की नौकरी के लिए अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे व कमजोर समय को जानकर उसके अनुसार आचरण करें और अपनी जॉब को बेहतर रखें। आइए अब यह जान लेते हैं कि साल 2022 मेष राशि वाले लोगों के करियर यानी कि जॉब के मामले में यदि कोई व्यवधान देता है, कोई विसंगति आती है, कोई परेशानी आती है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिनको करके आप अपनी नौकरी को
अपनी जॉब को बेहतर कर पाएं। नौकरी में बेहतरी के लिए शरीर पर चांदी पहनने और माता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। जब भी संभव हो माता को उपहार देते हुए उनका आशीर्वाद लें। माथे पर नियमित रूप से हल्दी का टीका लगाएं और हमेशा सत्य बोलें। अगर इन उपायों से आपको लाभ नहीं होता है, होना चाहिए, पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर नहीं होता है तो बहुत संभव है कि आपकी दशाएं भी प्रतिकूल होंगी। और विधिवत कुंडली दिखा करके अपनी दशाओं व अंतरदशाओं की अनुकूलता प्रतिकूलता को जान करके उनका उपाय करके आप बेहतर जॉब का मार्ग ढूंढ सकेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली चेक करवाएं। यदि आपकी इच्छा मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाने की है तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर कॉल करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और हमसे बात कर लें। सहज सा सिंपल सा रास्ता है, लेकिन यहां ये बाध्यता बिल्कुल नहीं है कि आप मुझसे ही बात करें। आप कहीं से भी सलाह ले सकते हैं। आप सुखी रहें, आनंदित रहें, हम तो बस यही चाहते हैं। और हाँ, एक बात जरूर आप गौर से सुनिए, आपकी राशि से जुड़े हुए सभी मुख्य पहलुओं के अलग अलग वीडियोज हम बना रहे हैं, उनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले साल को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और अपने करियर में, अपनी जॉब में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। भगवान भोलेनाथ आपकी नौकरी में बेहतरी दें। साल 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माई की। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।